वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बात करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का एक लेक्चर हमारे पहले देखे थे, इस वीडियो से पहले हमने एक लेक्चर दिया था जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन तक आपको बताया था, मोल फ्रैक्शन तक। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में समझाया था, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताया था, सॉल्वेंट बताया था, क्या क्या चीज़ कैसे है, सब चीज़ के बारे में बताया था। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं कि मोल फ्रैक्शन पे अगर आधारित कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लगाएंगे। जब आप न्यूमेरिकल एक लगाना, दो लगाना सीख जाएंगे तो उसी बेसिस पे आप कई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट, प्लीज मे आई योर अटेंशन, प्लीज ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर के अंत तक देखिए और वीडियो के माध्यम से ही अपने नोट्स को बनाइए, इसी के आधार पर सवाल लगाना सीखिए। बहुत ही सीधा सिंपल सा तरीका है। पीडीएफ इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि जिससे कि बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा, इसमें जो है एक तरफ से लगा हुआ, एक तरफ से सीरियल वाइज आप सीखते चले जाएंगे, पूरा आपको आ जाएगा। और दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को 2 से 3 मिनट देखते हैं और 4th मिनट उसको कट कर देते हैं और केवल छपना छापते हैं। तो ये चीज़ें बंद कर दीजिए, आप जो है पढ़िए, वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अगर कोई दिक्कत लगती है तो हमारे पास कमेंट करके पूछिए, हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ठीक है, उसमें 20% जो है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन, मुझे एथिलीन ग्लाइकॉल का जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इतना, जिसमें 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है। चलिए ठीक है, हमने यहाँ स्टार्ट से लिखा है, स्टार्ट से मैं समझाने पूरा प्रयास करता हूँ। लेट माना वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन, मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है। सपोज करते हैं हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20% इसका मीन्स दैट होता है 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। तो जब 20 ग्राम सॉल्यूशन हो गया तो 80 ग्राम मेरा वाटर होगा, 80 ग्राम मेरा क्या होगा, 80 ग्राम मेरा वाटर हो जाएगा, सॉल्यूशन उसमें वाटर मिला होगा। चलिए ठीक है, 80 ग्राम मेरा जब वाटर हो गया, यहाँ तक आगे चलते हैं। आगे क्या चीज़ है, मोलर मास ऑफ C2H6O2 मोलर मास निकालेंगे। तो 2 कार्बन है तो 12 × 2, 6 हाइड्रोजन है 1 × 6 और 2 ऑक्सीजन है 16 × 2। मतलब ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट और हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक वेट होता है और कार्बन का 12 होता है। तो 12 × 2 + 1 × 6 + 16 × 2, तो ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया। तो यहाँ पर 62 ग्राम प्रति मोल। कई बच्चे कहेंगे सर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 62 ग्राम मोल की पावर -1, तो यू कैन राइट इट, आप लिख सकते हैं इस आधार पर, आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम बताते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 × 2 और 18 ग्राम प्रति मोल हो गया। अब मोल्स ऑफ C2H6O2 इसका मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ C2H6O2, तो मोल्स निकालेंगे तो मोल्स में क्या होता है, n/W, मोल्स की जो फॉर्मूले होती है n बराबर n/W। ठीक है, तो मोल्स में यहाँ n का 20 ग्राम है, 20 ग्राम लिया मैंने और 62 मैंने भी सॉल्यूशन करके यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा मोल्स होता है वो होता है परमाणु भार बटे अणु भार, मतलब एटॉमिक वेट, मतलब द्रव्यमान, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा मास जो है 20 ग्राम है और ये 62 ग्राम प्रति मोल है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये मोल ऊपर चला जाएगा। सॉल्यूशन किया मैंने तो मोल्स ऑफ C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का जो आया 0.322 मोल आया, 0.3 क्या आया, 22 मोल आया, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल है, याद रखिए। ठीक है, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, मोल्स ऑफ वाटर, वही फार्मूला। ठीक है, मोल इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल एन बटान डब्लू। तो कितनी मात्रा है, 80 ग्राम है और 18 है उसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूशन करेंगे 4.444 मोल, मोल्स ऑफ वाटर। अब सीधा सा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, तो मोल्स ऑफ C2H6O2 अपान मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, हमने उसमें फार्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन में हमने सीधा सा एक फार्मूला लिखकर आपको दिया था, सीधा एकदम सिंपल सा, यक्से मतलब एन ए अपान
एन ए प्लस एन बी हमने बताया था। अब आपने पूछा था एन ए क्या है सर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ या नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन हमने यही चीज़ बताया था आपको। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल्स अपॉन टोटल विलेन, टोटल विलेन क्या क्या चीज़ है उसमें मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है, मोल्स ऑफ हमारा वाटर है। चलिए तो मोल फ्रैक्शन आप इसका निकालते हैं, तो यहाँ हो गया मोल्स ऑफ इतना। अब इसकी सबकी वैल्यू रख दिए, इसका हम निकाले हैं, इसका हम निकाले, इसका निकाले हैं, इसको रख करके सॉल्यूशन कर दिए। सॉल्यूशन करने के बाद C6H6 इसका यहाँ पे है, इस पार्ट्स का जो आप इसका सॉल्यूशन लगा रहे हैं हम आपको बता दें। सबसे पहले एक चीज़, ये जो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल है, मोल्स ऑफ C2H6O2 क्या क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले तो मोल्स ऑफ इसका देख लेते हैं हम, क्या निकाले मोल्स ऑफ इसका, इसका निकाले हैं मोल्स ऑफ इसका 0.322 और इसका निकाले 4.444। तो ये नहीं होगा, हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, आप देखते जाइए वीडियो के माध्यम से, हम वहीं पर आपको सॉल्यूशन दे देंगे। थोड़ा सा पेज इधर उधर सेटअप हो चुका है, तो 0.322 अपन 0.322 प्लस इतना ये सॉल्यूशन कर दिया, तो 0.06756 आया, तो 67 अप्रॉक्सीमेशन लिख देते 0.068 ये आंसर हुआ। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर अपन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, तो मोल्स ऑफ वाटर का 4.4444 और इसका 0.322 प्लस 4. इतना इसको सॉल्यूशन कर दिए, 0.932 आया, 0. मेरा क्या आया 932 आया। तो इस प्रकार हम आपको दिखा दें कि ये पहले पेज का जो शेष सॉल्यूशन है वो हमारा लास्ट वाले पेज पे चला गया है, थोड़ा सा इसमें आप सुधार लीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पहला सवाल है पहले क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन को यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको इसको सॉल्यूशन यहाँ तक लिखने के बाद इस सॉल्यूशन को हम उठा करके डायरेक्ट इजीली कहाँ पे हम सेंड कर देंगे इसको, यहाँ से चले आएंगे। इसके बाद हम जो है यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ से ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की कंप्लीट होने के साथ ही हम आपको आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर क्लियर कर दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया है, तो कोई बात नहीं, सेम टाइप मेथड है, उसी टाइप मेथड से आप लगाएंगे तो आ जाएगा। लेट वी हैव टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, लेट वी हैव टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, 30% मीन्स दैट 30 ग्राम, तो 30 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ बेंजीन मेरा, यहाँ पर बेंजीन इन सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 30%, तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 30 ग्राम, और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है मेरा 100 - 30 क्यों बनता है 70 ग्राम है। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन मतलब C6H6, C6 कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 × 12 प्लस 6 × 1 यहाँ कितना है 78 ग्राम प्रति मोल या ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 तो 30/78 इसको सॉल्यूशन देंगे 0.3846, दोनों मीडियम वाले समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले पूरा पूरा समझ सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने इसका निकाल दिया। अब मोलर मास ऑफ CCl4 का मैंने निकाल लिया, पहले मैंने मोलर मास ऑफ किसका निकाला बेंजीन का, फिर उसका मोल्स निकाल लिया। अब मोलर मास ऑफ CCl4 का निकाला 154 आया है, ठीक है। CCl4 मतलब एक कार्बन है तो 1 × 12 और 4 मेरा क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद 154 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 70/ इतना, इसको सॉल्यूशन किया इतना आया। तो कुल मिलाकर के आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये हमारे CCl4 के हैं। तो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है, अब हम दिखाते हैं आप लोग को हमें किस चीज़ का निकालना है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये दोनों मोल्स मुझे पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 का 0.4545 आया है और इसका 0.3846। चलिए हमें किसका निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, चलिए ठीक है दिखाते हैं क्या निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मतलब C6H6, तो मोल्स ऑफ C6H6 अपॉन मोल्स ऑफ C6H6 प्लस मोल्स ऑफ CCl4, सबकी वैल्यू रख करके हम सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारा 0.458 मोल फ्रैक्शन आया है। ठीक है, तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन करने के बाद हम इसके ऊपर आएंगे। पेज सेटअप होने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं लाइन से लग जाता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इस प्रकार हमारा दो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। चलिए, दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद हम आपसे बात करते हैं, दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद मोलैरिटी से समझते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको मोलैरिटी के बारे में बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा, बहुत अधिक डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझिए उतना समझ में आ जाएगा। इट इज़ द मोलैरिटी, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एम, मोलैरिटी इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एम, इटालियन मतलब इटालियन का कैपिटल एम यूज करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर है या 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल एम मतलब लीटर में, और यहाँ लिखा है मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ml में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ml में। तो मोलैरिटी का दोनों फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। मोलैरिटी वेराइज विद टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन वर्क वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन के वॉल्यूम में परिवर्तन होता है तो उसका टेम्परेचर भी बदल जाता है। चलिए इसका एग्जांपल एक आपको दिखाते हैं, एग्जांपल पूरा समझने का प्रयास करिएगा, एग्जांपल हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एग्जांपल मोलैरिटी का क्या चीज़ है, मोलैरिटी का एग्जांपल आप समझेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। एग्जांपल में क्या चीज़ दिया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा तरीका, एक बार समझेंगे आप उसके बाद सवाल लगाएंगे अपने NCERT बुक का तुरंत आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम आपको बताएं मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो NaOH Na का 23 होता है मानी 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना हो गया मेरा 40 हो गया। तो मोल्स ऑफ NaOH मतलब स्मॉल W अपान स्मॉल M, स्मॉल W कितना है 5 ग्राम है, और टोटल कितना है 40, उसका 40 दिया है, 5/40 सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे इसको तो 0.125 मोल मिला, 0.125 मोल मिला मेरा। चलिए आगे देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स में 450 ml है, 450 ml अपॉन 1000 ml। चलिए आगे देखते हैं, यूजिंग क्वेश्चन टू वही फार्मूला यूज करेंगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या क्या चीज़ है, 0.125 अपॉन 400 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दिए 0.278 मोलर आ गए, मोलैरिटी आ गई हमारी 0.278। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीका से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, आप एक दो प्रश्न को लगा करके ट्राई करिए, ज़रूर आपको आएगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सर ये क्या लिखा है, तो 0.278 ये जो मोलैरिटी को है मोल पर लीटर लिखा है, और सेकंड लैंग्वेज में 0.278 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये दोनों हमारा तरीका हो गया, इन दोनों तरीकों को आप सीखेंगे, इसी आधार पे आप लगाएंगे, इसी आधार पे आप क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम आगे आपको ले चलते हैं, आगे हमारा जो है वो है मोलैरिटी, वो क्या है मेरी मोलैरिटी, बहुत ही सिंपल तरीका, मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एम। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में और वो सॉल्यूशन में था, ये मोलैरिटी है और वो हमारी मोलैरिटी थी, उसका मतलब होता है मोलरता, इसका मतलब होता है मोललता, इसका मतलब क्या होता है मोललता। तो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और दूसरा मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्यूट और अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में हो जाएगा, किस में जाएगा भैया ग्राम में हो जाएगा। चलिए हम आगे आपको ये मोलैरिटी का क्वेश्चन दिखाने के लिए क्या दिया है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड मतलब CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन,
कोई बात नहीं है। सबसे पहले मोलर मास ऑफ C2H4O2, C2H4O2 वही एथेनोइक एसिड है। यहाँ डबल कार्बन है CH3COH में, देखिए दो कार्बन C2 हो गया, तीन हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, एक फोर हाइड्रोजन हो गया और दो ऑक्सीजन हो, तो वही है मोलर मास ऑफ C2 या CH3COH या C2H4O2 का निकाल दिया गया, 60 आया। टू कार्बन 12 × 2 1, फोर हाइड्रोजन 1 × 4 2 ऑक्सीजन 16 × 2 60 ग्राम पर मोल आया। अब मोल्स ऑफ C2H4O2 तो इसका कितना दिया, 2.5 ग्राम अपॉन 60, सॉल्यूशन करेंगे 0.0417 मोल आ गया। अब मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 75 कितना दिया, 75 ग्राम अपॉन 1000, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोग्राम में हो जाएगा। अब मोलरिटी ऑफ C2H4O2, मोल्स ऑफ C2H4O2 लिख दिए अपान टोटल कितना है, 75 ग्राम इंटू 1000, सॉल्यूशन कर लिया, यही हमारा आ गया। तो इस प्रकार हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है और हम ये आशा रखते हैं कि आप लोग इसी आधार पे नोट्स भी बनाएंगे और अपनी तैयारी को भी करेंगे। थोड़ा सा लिखने में व्यस्तता थी इसीलिए हमने जो इस PDF नोट्स को भेज दी। अगर आपके पास कोई बुक हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, तो उसके क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करें, प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आता है। धन्यवाद। शेयर और लाइक करना ना भूलें।